दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में हांगकांग से। जी हां, हांगकांग में आज सुबह पहुंचा था इंडिया से और यहां पे मौसम कोई बहुत जबरदस्त नहीं है, बारिश होने लग रही है हल्की हल्की, लेकिन भाई बिल्कुल मेरे को ऐसा लगने लग रहा है कि मैं किसी कंक्रीट के जंगल में आ गया हूँ। हर जगह इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और लोग भी ऐसे रोबोट की तरह चढ़ रहे हैं। अभी बारिश होने लग रही है तो लोग छाता लेके रोड क्रॉस कर रहे हैं, कोई काम से आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है। आज सैटरडे का दिन है, वीडियो बनाने का मेरा इतना कोई मन नहीं था क्योंकि मैं काफ़ी थका हुआ भी था, फ्लाइट लेके आया था काफ़ी लंबी, तो दिन में मैंने थोड़ा सा आराम करा, पर सोचा अभी बाहर निकल के थोड़ा सा आपको हांगकांग शहर दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ पे भी गाड़ियों का जाम लगता है, हांगकांग में भी देखना रेड लाइट पे कितनी इकट्ठी हो रखी है, पर अच्छी चीज़ है लोग यहाँ पे रूल्स फॉलो करते हैं, मैंने जो चीज़ नोटिस करी हांगकांग में। ये कैमरे का निशान है भाई, देखना यार सही में कॉन्क्रीट का जंगल है, देखना ऐसे लग रहा है कि किसी गेम में आ गए ऐसे नज़ारे। वैसे तो रात का टाइम हो गया और मैं सोच रहा था भाई क्या ही वीडियो बनाऊंगा अंधेरे में, लेकिन हांगकांग जो है ना वो अपनी रात और लाइट्स के लिए बहुत मशहूर है और इधर की बड़ी बिल्डिंग्स स्काई स्क्रैपर्स के लिए। दुनिया में अगर किसी भी सिटी की हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स है हांगकांग सिटी में ही। जी हाँ, 700 से थोड़े कम स्काई स्क्रैपर्स है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है किसी भी सिटी में। अब हांगकांग क्या है, आप लोग सोचते भाई हांगकांग कोई कंट्री है, सिटी है, क्या चीज़ है? वैसे तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक ऑटोनोमस टेरिटरी है, ऑटोनोमस रीजन है जो चाइना के अंडर आता है। इसके फॉरेन अफेयर्स और जो डिफेंस है वो चाइना देखता है, पर इसके पास अपनी पावर्स है, अपनी खुद की करेंसी है, अपनी खुद की गवर्नमेंट है, सारी चीज़ें खुद की है। और दोस्तों अभी मेरे ये आने के पीछे की वजह भी यही है, ये जो पीछे बिल्डिंग्स देख रहे हो, वक्त हुआ है 7:45 और हर रात को यहाँ पे 8 बजे होता है सिम्फनी ऑफ लाइट्स का शो। ये जो बिल्डिंग्स हैं इन सब पे लाइट्स वगैरह जलती है और खूब सुंदर नज़ारा दिखता है यहाँ की स्काई लाइन का, तो वही देखने में आए और आप देख सकते हो कितनी भीड़ ऑलरेडी है, लोग छाता लेके खड़े हैं, हालांकि रात और बूंदाबांदी भी होने लग रही है, फिर भी कोई रेनकोट पहन के आया, कोई कुछ। ये जितनी भी बिल्डिंग्स है ना, ये सब बिल्डिंग्स देखने के लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं और आज तो मेरे को लग रहा है भीड़ थोड़ी सी कम है क्योंकि शायद बारिश हो रही थी इस वजह से। हालांकि मेरे को भूख लग रही थी बहुत तेज़ और कुछ खाने का मन था पहले, जैसे हर वीडियो में होता है पहले निकल के मेरे को भूख लगती ही लगती है, पर अभी 7:46 हो गई और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा कि भी मैं कहीं खाने चला जाऊं और 8 बजे मेरा लाइट शो मिस होता है, क्योंकि ये जो लाइट शो है ना ये ऐसा नहीं है कि पूरी रात चलता हो, ये सिर्फ 10 मिनट ही होता है, मतलब जो मैंने सुना है अभी तक। बाकी वहाँ पे भाई ऑलरेडी टूर्स वगैरह बेच रहे हैं, बोट टूर्स के, ये हार्बर टूर्स, इधर खूब लोग की बोट में बैठ के आप स्काई लाइन का मजा उठा सकते हो या फिर इधर पानी में घुमा के लाते होंगे आपको। बारिश तेज होगी यार एकदम से, इसके नीचे जाके खड़ा होता हूँ छाया में पर ये तो कबड्डी नहीं है बस ये छाता ही खोलना पड़ेगा। अच्छी चीज ये थी कि मैं छाता लाया था अपने साथ, सारे लोग छाता पकड़ के खड़े हो गए, अभी इंतजार कर रहे हैं, यार भूख बहुत लग रही है, जल्दी हो जाए जाके कुछ खाऊंगा पीऊंगा। अजीब ही मौसम है भाई, एक मिनट तो इतनी तेज बारिश होने लग जाएगी फिर एकदम रुक जाएगी, फिर 10 मिनट बाद दोबारा होने लग जाएगी इतनी तेज, फिर 5 मिनट में फिर से रुक जाएगी 10-15 मिनट के लिए। यहाँ पे खींच रहे भाई ये फोटो और इनकी करेंसी हांगकांग डॉलर, एक हांगकांग डॉलर में इंडिया के ऑलमोस्ट 11 रुपए मान लो, तो ये ले रहा है भाई 60 हांगकांग डॉलर, यानी कि इंडिया के 650-700-900 रुपये इंडिया में यहाँ पे फोटो खींचेंगे लाइट के साथ। बाकी लोगों ने ना ये आगे वाले स्पॉट्स आके एक एक घंटे से रोक रखे, जगह ही नहीं, ऊपर से छातों की भीड़ होगी, आगे से तो देख ही नहीं सकते, सारे स्पॉट्स उधर से लेके आगे तक 200 मीटर तक भरे हुए ये बड़े बड़े छाते हो गए ऊपर से। बज गए भाई पूरे 8:45 अब शुरू हो गए। हो गए शुरू। अरे भाई क्या लाइट शो था यार, बहुत ही ओवरहाइप्ड था ये, बहुत ही ज्यादा, मतलब वैसी ही बिल्डिंग जितनी सुंदर लग रही थी स्काई स्क्रैपर्स, लाइट तो गिनती की 2-4 फ्लैश से मार रहा था, कुछ नहीं कुछ खास नहीं था भाई। इस मेरे फोन का फ्लैश देख देख के एक तो मैं इतना यूज्ड टू हो गया इतनी ज्यादा लाइट के, वो लाइट तो बहुत ही फिक्की थी। इतनी देर बारिश में इंतजार भी करा रात को और चीजें स्किप करके, पर कुछ खास था नहीं। ये तो बिल्डिंग्स की लाइट्स है, रात के 12 बजे देख लो, ये जो इवेंट है ना सिम्फनी ऑफ लाइट्स 8 बजे, इसमें क्या ये 2-4 लाइट्स एक्स्ट्रा जलती है, इसके लिए इधर लाइन में लगना इतनी भीड़ में कोई मेरे को वर्थ नहीं लगा। अपना रात को कभी भी आओ जब ये खाली और आगे वैसे बिल्डिंग्स का नज़ारा देख लो, ये दिन में देख लो, दिन में अगर स्काई लाइन देखनी है तो, वरना रात को लाइट्स के साथ और भी अच्छी लगती है, पर इसके लिए स्पेशली आना इधर लाइनों में लग के खड़ा होना कोई भी वर्थ नहीं लगा मेरे को। मेरे को तो इनके सड़क के नज़ारे ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं रात को, ये देखना मतलब कैसे सारी चीज़ें कितनी फ्लैशी सी,
और अभी बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है जमीन पे, तो और भी ज्यादा लाइट्स दिख रही है पानी की वजह से। अब मैं आ गया वापस शिमशाशु, अजीब सी प्रोनाउंसिएशन है यार, स्क्रीन में नाम लिख दूंगा। ये इनका मेन सेंटर के पास का इलाका आप कह सकते हो। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, महंगे महंगे शोरूम्स है, सस्ते से लेके महंगे होटल्स है। अब सस्ते का मतलब हांगकांग में 3,000 से 4,000 मिनिमम, महंगे का मतलब 30-40 हज़ार कुछ भी हो सकता है। ये आ गया शिमशाशु स्टेशन, इधर चलना है अपने को। बाकी ये इनका मेट्रो स्टेशन है, इधर ही मेट्रो स्टेशन पे ही मॉल मिल जाएगा, कई कई फ्लोर है, बहुत ही बड़े बड़े ना इनके मेट्रो स्टेशन या ट्रेन स्टेशन कुछ कह लो, बहुत बड़े बड़े हैं। और इन्हीं में मॉल्स, बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम्स। अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है तो आप इस लाइन में लग के वीज़ा कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, वरना आपको सिंगल टिकट पास कर सकते हो, जो कि 12 हांगकांग डॉलर के, यानी कि इंडिया के कितने हुए 120-125 रुपये। अब देखो, मैंने कार्ड नहीं लिया मेट्रो स्टेशन का, मैं सीधा अपने ATM कार्ड वीज़ा कार्ड से इधर ये बिठाया और ये खुल गया। यहाँ से मैं जाऊँगा सेंट्रल स्टेशन की तरफ, तो ये वाली ट्रेन जाएगी सेंट्रल, इधर लग जाते हैं लाइन में कहीं। सेंट्रल स्टेशन पे आ गए और भाई इनकी ना इतनी सारी एग्जिट्स होती है यार, देखना कितना, कोई मीटरों तक तो स्टेशन उधर जाएगा। अब ये देखो एग्जिट JKL उधर है, इधर है एग्जिट EFGH और ABCD उधर है। मेरे को शायद D से करनी है एग्जिट, तो उधर जाना पड़ेगा, D2 से निकलना है मेरे को। मतलब गलत गेट से निकल गए ना तो कई किलोमीटर की तो आपकी सैर ही हो जाएगी वारने के लिए, बाद डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। मेट्रो से निकलते टाइम दोबारा आपको, क्योंकि टिकट तो हमने ली नहीं, कार्ड लिए अपने वीज़ा कार्ड से करा था, तो दोबारा स्वाइप कर दिया। ये रहा एग्जिट अपना डी, डी में भी भाई एक D1 है फिर एक D2 है, अपने को D2 में जाना है। बाहर छाते की दुकान एक निकल गया अपन। बाकी हांगकांग की सबसे बढ़िया बात मेरे को पता है क्या लगी, कि ना सारे साइन बोर्ड्स इंग्लिश में भी है, कैंटोनीज चाइनीज में भी है, साथ ही साथ इंग्लिश में भी, और सभी लोग इंग्लिश बोलते समझते हैं भाई इजीली। रीजन ये है कि 1997 तक ये ब्रिटिश कंट्री था, उसके बाद वापस ये चाइना को दे दिया गया था हांगकांग, तो इंग्लिश हर जगह है, स्कूलों में भी सारे बच्चे इंग्लिश सीखते हैं बोलते हैं, और ऐसा नहीं है कि भाई इधर आपको आने के लिए चाइनीज जाननी पड़ेगी, और इधर चाइनीज मैंडरिन भी नहीं बोलते, कैंटोनीज बोलते हैं बेसिकली। ये है सेंट्रल एरिया, बहुत बड़ा है यार इनका मेट्रो स्टेशन ही, आपने देखा था कितने सारे तो इसके गेट्स थे, कन्फ्यूज हो जाए आदमी किधर से निकले, क्योंकि मैं दिन में इधर आया था, पर दिन में नज़ारे बिल्कुल अलग थे और अभी नज़ारे बिल्कुल अलग है, क्योंकि अभी मैं दूसरे पार्ट में हूँ। इधर बाकी एक 7-Eleven है, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ अंदर चल के थोड़े रेट वगैरह इधर के। ये है भाई अंदर रेट, $8-13, यानी इंडिया के 100 रुपये कुछ की, तो कोक का कैन है। यहाँ पे भाई कॉफ़ी है तरह तरह की, ये इंडिया के 200 रुपये की, 120 रुपये कॉफ़ी तो सस्ती है, बाकी चीज़ें बहुत महंगी यार यहाँ पे सारी चीज़ों के रेट। एक मैंने तो ये ले लिया यार, बहुत छोटा था ये वाला 7-Eleven, तो गिनती की कुछ चीज़ें थी, कल आपको कोई बड़े में रेट दिखा दूंगा। दो सारी चीज़ें थी, तो पानी दूध कॉफ़ी बेसिक से ही खाते, केले वगैरह रखे थे, पर महंगे है भाई इधर रेट्स ना काफ़ी, इंडिया से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा। इस सड़क पे खूब रौनक है, शायद ये इनकी नाइट लाइफ की सड़क होगी, सेंट्रल जो स्टेशन है उससे 2-3 मिनट वॉकिंग पे थी ये सड़क, मतलब दोनों तरफ पब्स बार्स वगैरह ईटरीज रेस्टोरेंट्स। भाई अभी हम आगे एक रेस्टोरेंट में, काउच सर्फिंग का मीटअप था, उस मीटअप के थ्रू मैं कुछ दोस्तों से मिला और यहाँ पे दोस्ती होगी, तो मैं आपको मेन्यू दिखा देता हूँ। इधर अंधेरा सा है काफ़ी, फ्लैश ऑन करके वीडियो बनानी पड़ रही है, कुछ दिख नहीं रहा था, बार से आपको रेट दिखा देता हूँ। जैसे कि वाइन है भाई 150 यानी कि इंडिया के 1700-1800 रुपये का एक ग्लास, और कॉकटेल भी आप देखोगे तो भाई वो भी 150 की, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने रुपए आ जाएंगे। अब जैसे भाई ये है वोडका 150 और बोतल 1800 की, यानी कि इंडिया की 20,000 रुपये की बोतल है, बहुत महंगे रेट्स है भाई यहाँ पे सब चीज़ों के। अभी हम लेने लग रहे हैं टैक्सी, और टैक्सी के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं रेट, ऊबर से कराई थी पर ऊबर वाला हमारी वेट करके चला गया, तो हमने फिजिकली सड़क पे एक टैक्सी रोक ली, और ये भाई समझाने लग रहे हैं, टॉम नाम है भाई का,
अब मेरे भाई ऊपर में तो $50 चाहिए, ज्यादा मांग रहा है। अरे यार क्या बोलते रहते हैं, आगे से थोड़ी वीडियो भी बन जाएगी और आगे लेग स्पेस भी ज्यादा है। चलो भाई भाई उड़ाता जाने लग रहा है। तो भाई जो ब्रूस ली है ना और जो जैकी चैन है वो दोनों हांगकांग से है, तो हम इससे बात करने लग रहे थे कि भाई यहाँ पे सारे कुंग फू करते हैं। बोला हाँ भाई सारे कुंग फू करते हैं, तू गाड़ी ऐसे चलाने लग रहा है जैसे कुंग फू कर रहा हो, और जो कट मारता वो जाता लेके जा रहे हैं। भाई यार देखना यार जहाज बना रखे गाड़ी का जहाज। डू द लोकल्स लाइक हिम हियर इन हांगकांग जैकी चैन? नो रियली ओके ओके तो ये जो टैक्सी है ना, अभी मेरे दोस्त टॉम ने बताया इनका जो रंग है ना उस बेसिस पे डिसाइड होते हैं कि कहाँ का जाती है। तो जो ब्लू है वो कुछ आइलैंड्स पे जाती है, ग्रीन कुछ डेजिग्नेटेड जगह पे जाती है, लेकिन जो रेड टैक्सीज है ना ऐसी ये मोस्टली सारी जगह जाती है। तो अगर आप रेड टैक्सी लेते हो तो आप इजीली कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो हांगकांग में। बाकी भाई आपने वीडियो में देखा ही, पहले हम गए तरह तरह के जगह पे खाना खाने वगैरह, मैंने आपको रेट दिखाए उधर भाई हम इतने महंगे रेट थे यार हांगकांग के। सही बताऊं तो अभी जस्ट मैंने टैक्सी करा के मैं निकला हूँ वापस जाने लग रहा हूँ जिधर रुका हूँ उधर के लिए, और भाई लोग आए हुए बड़ी बड़ी उम्र के, इतने सारे गोरे लोग आए हुए, मैं देख के हैरान हो गया कि भाई हांगकांग तो इतना दूर है इनसे, लेकिन सारे गोरे लोग और बड़ी उम्र के बहुत लोग थे, मतलब 60-60 साल के, 65 साल के, 50 साल के लोग, बूढ़े औरत आदमी सब, बहुत बड़ी उम्र का क्राउड था। और यहाँ के तो लोग कम ही दिख रहे थे, या तो गोरे थे या फिर फिलीपींस वगैरह के थे, कुछ एक दो इंडियन भी दिख रहे थे। उसके बाद हम जगह जगह पे गए कई जगहों पे, फिर मेरे को भूख लगने लगी तो मैंने एक पिज़्ज़ा की स्लाइस ले ली, यहीं पे एक पिज़्ज़ा का वो था रेस्टोरेंट था उससे मैंने स्लाइस ली, वो थी मेरी 50 की यहाँ की करेंसी की, तो अपने भारतीय रुपये में हो गए 550 रुपये की सिर्फ एक वो स्लाइस थी पिज़्ज़ा की, वो खाई उससे थोड़ा बहुत पेट भरा। और उसके बाद मैंने ली पानी की बॉटल, पानी की बॉटल ली 7-Eleven से, यहाँ पे जो मैंने बताया आपको ग्रोसरी स्टोर होता है वो पड़ी मेरे को भाई मेरे ख्याल से 30 कुछ की थी, 1.5 लीटर पानी, ये मतलब मेरे पास भी अभी भी ये 1.5 लीटर पानी पड़ा मेरे को 350 रुपये का। और ये तो सुपर मार्केट से है, किसी उसमें नहीं खरीदता कि भी रेस्टोरेंट में, वहाँ तो महंगी मिलेगी ऑब्वियसली। अब मेरे दोस्त सारे वहीं पे हैं जो काउच सर्फिंग से मीटअप था, हम सबकी दोस्ती होगी, एक लड़की थी कजाकिस्तान से, एक लड़की थी यूके से, एक लड़का था यूएस से, एक लड़का था चाइना से, तो हम सारे इकट्ठे थे। तो यूएस वाला चला गया, बस चाइना वाला रह गया था, मैं रह गया था और वो दो लड़कियाँ रह गई थी। तो अब इनका तो और भी प्लान था जाने का, मैं बोला नहीं मैं जाके सोऊंगा, कल मेरे को मकाऊ जाना है और वीडियो बनानी है, तो मैंने करा ली टैक्सी। मन तो था मेरा मेट्रो से ट्रेन से जाने का कि भी ठीक है रात को घूमते घूमते पहुंच जाएंगे, लेकिन इस टाइम लंबा रूट था बहुत ज़्यादा, कम चलती होगी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती होगी ट्रेन की, तो ये मैंने 10 मिनट का सफ़र भी नहीं है मेरा, 9 मिनट का सफ़र है इसका गाड़ी में ऊबर में, और इसके पड़े हैं मेरे को 120 यहाँ की करेंसी, मतलब इंडिया के 1300 रुपये 9 मिनट 10 मिनट के सफ़र के। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना महंगा है भाई हांगकांग, सही में बहुत महंगी है सारी चीज़ें, स्पेशली अपने भारत के रेट से कंपेयर करोगे तो। वरना देखा जाए तो मेरे ख्याल से साउथ कोरिया में गया हूँ वहाँ भी कुछ ऐसे ऐसे रेट थे, लेकिन साउथ कोरिया मेरे को ज़्यादा पसंद आया इधर से। हांगकांग इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं था, जो क्राउड था लोग बाग आ रहे थे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मतलब गाने भी जो बज रहे थे ना भाई क्लबों में, नाइट लाइफ फेमस है हांगकांग की, फेमस है वैसे तो रात की लाइफ, पर मेरे को तो बहुत यूँ ही लगा कि फालतू में हाइप कर रखे, कुछ भी ऐसा खास नहीं था, पुराने पुराने गाने बज रहे हैं और कभी लड़कियों के गाने बज रहे हैं, कभी हैप्पी बर्थडे बज रहा है, इस तरह का ही था कोई खास, मेरे को तो मज़ा आया नहीं भाई। मैं तो बहुत पहले ही निकलना चाह रहा था पर फिर बोले रुक जा हांगकांग आया है आज सैटरडे नाइट है देख ले यहाँ का माहौल, मैं सोचता था अगली जगह जाएंगे वहाँ बढ़िया लगेगा, अगली जाएंगे वहाँ लगेगा, पर कहीं मेरे को ऐसा कुछ खास लगा नहीं। बाकी भाई रौनक तो है यहाँ पे सही में, रात के भी 2:30-3 बज रहे और मैं निकला था अपने होटल से मेरे ख्याल 8 बजे के राउंड, 8 भी नहीं 7:15 निकला था मैं, 7:30-7:30 वो सिम्फनी ऑफ लाइट्स देखने के लिए। अपने घूमा हांगकांग, हांगकांग की भाई नाइट लाइफ एक तरह से देखी, जो इनकी लाइट्स थी, बिल्डिंग्स थी, स्काईलाइन थी, वो सब देखा, इनके क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, बार, सारी चीज़ें देखी,
सैटरडे नाइट थी, जितना अपन एक्सप्लोर कर सके करा हांगकांग को। और ऐसा नहीं है कि भी मैं एक जगह रह के जज कर रहा हूँ कि भी मेरे को पसंद नहीं आई नाइट लाइफ या कुछ खास नहीं था। मेन मेन जो भी हाईलाइट्स थे, जो भी जगह थी, उधर अपन गए सारी जगह। और जिन जिन चीज़ों के लिए पॉपुलर है हांगकांग, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं है जैसे साउथ कोरिया में सोल सिटी है। सोल सिटी में भी ऐसे एक बार्स वाली रोड थी जिधर अपन गए थे, जिधर वो सारे बार्स और कैफे से मैं आपको दिखा रहा था। तो उसका क्या नाम था, नाम भूल जाता है मैं तो, स्क्रीन पे लिख दूंगा। तो इतनी जगह चला गया, हाँ इटावोन नाम था सोल सिटी में, जो सड़क थी मेन नाइट लाइफ वाली, वो तो काफ़ी हैपनिंग थी, काफ़ी क्राउडेड थी। अगर मैं साउथ कोरिया से इसे कंपेयर करूँ तो हाँ, बिल्डिंग इधर ज़रूर ज़्यादा है कि भी साउथ कोरिया से कंपेयर करें या फिर ताइवान से कंपेयर करें, इतने कम एरिया में इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स हाई राइजेस, वो इधर डेफिनेटली ज़्यादा है। पर हैपनिंग मेरे को काफ़ी कम लगा और कई गुना महंगा लगा उन सिटीज से भी, हालांकि वो सिटीज़ भी ऑलरेडी महंगी है। यहाँ पे लड़ाई होगी भाई साहब, पता नहीं क्या होगा। ये आ गई भाई अपनी होटल वाली बिल्डिंग, ये एरिया मिनी इंडिया है भाई, इधर सही में सारी इंडियन दुकानें वगैरह, फ्रूट्स वाले, जूस वाले, सारी चीज़ें। ये देखो भाई इधर नाम भी पढ़ोगे, डिल्लो होटल। बाकी भाई नीचे समोसे की दुकानें खुली थी अभी, कोई अंडा करी बेच रहा है, कोई भुजी बेच रहा है, जूसों की दुकान, बिल्कुल ऐसी मानो इंडिया की कोई लोकल मार्केट है। और दोपहर का टाइम है, काफी दुकानें खुली थी। ये बिल्डिंग है अपनी चोंगकिंग मैंशन, मिनी इंडिया बेसिकली। चलो आगे भाई कमरे में। कमरा तो क्या है यार, ये कैद है सही बताऊं तो, देखना इतनी सी जगह। पिछली वीडियो में हालांकि आप लोग देख चुके कमरा, भाई बहुत ही ज्यादा छोटा है, मतलब सीधा हाथ पैर कुछ फिट नहीं आता इधर, और सस्ते के चक्कर में ले लिया। पर मैंने सोचा अब कोई और जगह लूं और इधर कैंसिल, कुछ भी ऑप्शन नहीं था, मतलब बेसिकली छोटे में समझाऊं तो यहाँ बुकिंग कैंसिल नहीं हो सकती थी, पैसे उन्होंने वापस देने से मना कर दिया। हालांकि एक रात मैंने एक्स्ट्रा करा दी थी गलती से, उस रात का भी नहीं दिया। और जो ढंग के होटल्स थे वो 20-30 हज़ार से कम के नहीं थे आसपास इस एरिया में, इस डिस्ट्रिक्ट में, सेंटर के आसपास। तो भाई महंगा बहुत ज्यादा है, और अगर ऐसी जगह पे रह सकते हो, मुझे खुद बहुत प्रॉब्लम होने लगी है भाई यहाँ, मतलब बिल्कुल दम घुटता है। पर मैंने सोचा चलो 2-3 दिन की बात है, किसी तरह काट लेंगे। तो भाई अब फिलहाल सोते हैं और कल देखते हैं, मकाऊ जाना है, जो भी करना है, वो थका फी गया चल चल के पूरे दिन से चल रहा हूँ, कल फ्लाइट लेगा फिर यहाँ पहुंचा, बैग उठाएगा। एनी वे चलो बाय।